नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। वक्त इंडिया ने कुछ रोज पहले एक खबर दिखाई थी, जम्मू में ओपीडी क्लिनिक जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, अवैध रूप से ओपीडी क्लिनिक चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के नियमों की ये ओपीडी क्लिनिक धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। इन ओपीडी क्लिनिक को लेकर ही वक्त इंडिया ने खबर दिखाई और इस खबर का अब असर देखने को मिल रहा है। जब स्वास्थ्य विभाग ने इन ओपीडी क्लिनिक्स के खिलाफ एक्शन लिया है, सख्त कार्रवाई की है और इन ओपीडी क्लिनिक्स को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जो है वक्त इंडिया की खबर का असर हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चलने वाले ओपीडी क्लिनिक्स को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दिया जाए, जम्मू में अमनदीप क्लिनिक है, ये ओपीडी क्लिनिक है, जम्मू का अमनदीप ओपीडी क्लिनिक, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वक्त इंडिया ने अमनदीप क्लिनिक को लेकर खबर दिखाई थी कि किस रूप से अवैध रूप से ओपीडी क्लिनिक अमनदीप ओपीडी क्लिनिक चल रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर हरदास ऑर्थोपेडिक क्लिनिक और साथ ही साथ फोर्टीज ओपीडी क्लिनिक जो त्रिकुटा नगर में है, ये वो ओपीडी क्लिनिक है जिनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने वक्त इंडिया पर खबर चलने के बाद एक्शन लिया है, सख्त कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो वक्त इंडिया ने इन क्लिनिक्स के खिलाफ जो है खबर दिखाई थी और अब स्वास्थ्य विभाग ने इन क्लिनिक्स जो ओपीडी क्लिनिक है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है, निर्देश जारी कर दिए हैं बंद होने के। आपको ये बता दिया जाए, वक्त इंडिया ने ये खबर टीवी पर दिखाई। जम्मू में ओपीडी क्लिनिक हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही सुविधाओं के नाम पर मरीजों से ठगी कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इलाज के नाम पर किस तरह से ओपीडी क्लिनिक मरीजों को लूट रहे हैं और इस लूट का शायद मरीजों को भी अंदाजा नहीं है। आज हम ऐसे ही एक ओपीडी क्लिनिक का पर्दाफाश करेंगे जो बिना स्वास्थ्य विभाग के अनुमति से चल रहा है। 13 फरवरी को यह खबर वक्त इंडिया के टीवी पर दिखाई गई और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया और 11 मार्च को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की गई कि इन क्लिनिक्स को जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो ये खबर का असर, वक्त इंडिया की खबर का असर हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसे अवैध ओपीडी क्लिनिक्स को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।